नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, आचार संहिता लगने के कारण काफ़ी बढ़ती अटक चुकी हैं, उसी पर हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कारामाजो सरकारी नौकरी। तो पिछले साल शुरू की गई भर्तियों में 44,058 पदों पर सभी अभी को नियुक्ति नहीं हो पाई है। इसका कारण है ये कि आचार संहिता लग चुकी है। तो इसमें आपको मैं बता दूंगा, इनमें से 15,361 पद भर्तियों के लिए प्रतियोगी परीक्षा तो आयोजित की गई थी। तो मैं बताऊंगा कि कौन कौन से भर्तियों के परिणाम नहीं आए हैं। तो SI भर्ती 2016 पोस्ट 330, शिक्षक भर्ती 2018 9,000 वैकेंसी, प्रधानाध्यापक भर्ती 2018 1,200 वैकेंसी, कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2018 1832 पोस्ट खाली, प्रयोगशाला सहायक 1200 पोस्ट खाली, NTT भर्ती 1310, आंगनबाड़ी महिला 309, पर्यवेक्षक भर्ती 180। इनकी परीक्षा ही नहीं हुई, स्टेनोग्राफर 1885 की परीक्षा नहीं हुई, फार्मास्यूटिक भर्ती 2018 की परीक्षा नहीं हुई, स्कूल व्याख्याता 5,000 की परीक्षा नहीं हुई। तो दोस्तों, काफ़ी भर्तियाँ अटक गई हैं इस आचार संहिता लगने के कारण। बस यही मैसेज आप लोगों को बताया है कि दोस्तों, कौन कौन सी भर्तियाँ अटकी हुई हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी भर्तियाँ पेंडिंग में हैं। धन्यवाद दोस्तों, ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।